बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई चैनल आसबिरियन अकेडमी asbirian.com। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अहम तरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिसके हवाले से आप लोगों को नॉलेज होना, इल्म होना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो ये है कि BA के वो तमाम तलबा, MA के वो तमाम तलबा और MSc क्लास के वो तमाम तलबा जिन्होंने अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था 2019 से पहले, कौन सा ईयर मैं बता रहा हूँ, 2019 से पहले अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो फिर आप लोगों के पास टाइम है, लिमिटेड टाइम है, आपने उस टाइम के अंदर अंदर अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेना है, अदरवाइज़ आप लोगों के पैसे भी ज़ाया और साल भी ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने BA में एडमिशन लिया था 2019 से पहले, वो किसी वजह से छोड़ गए हैं या किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे, अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, तो वो उनको शायद इस चीज़ का इल्म भी नहीं है कि उनकी जो डिग्री है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी जो वैल्यू है, जो उन्होंने एफर्ट किया है, मेहनत किया एक साल डेढ़ साल, वो सारी उनकी ज़ाया हो जाएगी, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, अगर तो आप लोगों ने डिग्री कम्प्लीट करनी है BA की, MA या MSc क्लास की, तो फिर आप लोगों के पास टाइम है 2026 तक का, 2026 तक, ठीक है, आप लोगों के पास टाइम है, इस दौरान तक आप लोग अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लें। अगर आप लेट हुए, ठीक है, 2026 के बाद अगर आप कहें कि हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने डेट अनाउंस की है, साल जो ना वो अनाउंस किया है 2026 का, तो 2026 से पहले पहले अपनी डिग्री को कम्प्लीट कर लें BA के वो तमाम स्टूडेंट्स। हाँ, 2019 के बाद जितने भी तलबा हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है वो BA में नहीं है, है तो वो BA के इक्वल है, डिग्री है, BA ही स्टूडेंट्स उसको कहते हैं, तो उसको, लेकिन यहाँ पे हम उसको कहते हैं एसोसिएट डिग्री, AD जिसको हम कहते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, तो वो एक्चुअली वो BA नहीं, BA की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया गया है AD के साथ, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया, नाम इसका चेंज कर दिया गया है। तो जिन्होंने एडमिशन लिया था 2019 के बाद, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके पास टाइम काफ़ी है, वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। इशू सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एडमिशन अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लिया था 2019 से पहले, ठीक है, और वो उन्होंने BA में लिया था और या MA या MSc क्लास में लिया था, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो उनके लिए जो टाइम दिया हुआ है 2026 का, उससे पहले पहले अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लें, अदरवाइज़ उनका जो एक तो पैसे भी ज़ाया होंगे और दूसरा जो उनकी मेहनत भी ज़ाया होगी। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।